हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं ढेर सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स। आजकल जो एक्ट मैं आपको करा रही हूँ वह है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। हम आ पहुंचे हैं पार्ट 10 पे। पिछले पार्ट में हमने जाना था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है और उसके रूल्स के बारे में भी बात की थी। आज हम आगे उन्हीं रूल्स को बढ़ाएंगे और जानेंगे कि सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 24 तक कौन कौन से पॉइंट्स लिखे गए हैं इस एक्ट के अंदर। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 21 के साथ, जिसके अंदर रूल्स दिए गए हैं स्पेसिफिक गुड्स के बारे में। पिछली बार हमने देखा था कि वह वो स्पेसिफिक गुड्स थी जो डिलीवरेबल स्टेट में थी, मतलब भेजने के लिए बिल्कुल योग्य थी। लेकिन सेक्शन 21 में बोला गया है गुड्स तो स्पेसिफिक हैं, लेकिन उन पे अभी कुछ काम करना बाकी है और उस काम के होने के बाद ही वह डिलीवरेबल स्टेट में आएंगी। तो इस प्रकार की गुड्स पे कुछ एक रूल्स ये हैं कि जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वह सेल का है और स्पेसिफिक गुड्स की ही बात की गई है, परंतु यहाँ पर जो सेलर है, जो विक्रेता है, उसने अभी कुछ करना है उन गुड्स के ऊपर और उसके द्वारा किए गए इस काम के बाद ही वह गुड्स भेजने के लायक बन पाएंगी। गुड्स जो है ये सेल अनकंडीशनल है। उसके बाद ये बोला गया कि जो मालिकाना हक है वे तब तक ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे जब तक ये काम नहीं हो जाता और बायर को बता नहीं दिया जाता, बायर की नॉलेज में वह बात नहीं आ जाती। अब यहाँ पर इस चीज की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि सेलर खुद बताएगा बायर को, हो सकता है बायर को कहीं और से पता लग जाए, तो इसका यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर एम, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है 10 बैग ऑफ शुगर लेने का। उसने 6 बैग ऑफ शुगर जो थे वे अपनी आंखों के सामने फिल करवाए, बाकी के 4 बैग्स अभी फिल होने बाकी थे। उतने समय में फैक्ट्री में जो है आग लग जाती है और जितनी भी शुगर वहां पर पड़ी है वे सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ये माना जाएगा कि जो मिस्टर एम है 6 बैग्स का लॉस जो है वह उनके ही हिस्से में आएगा, क्योंकि वह 6 बैग्स ऑफ शुगर डिलीवरेबल स्टेट में आ चुके थे और जो सेलर है वह लायबल होगा रिमेनिंग 4 बैग्स के लिए। क्यों? क्योंकि वह 4 बैग्स अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आए थे। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है सेक्शन नंबर 22। इसके अंदर भी बात तो स्पेसिफिक गुड्स की ही की गई है, पर कंडीशन थोड़ी सी बदल गई है। अब इन स्पेसिफिक गुड्स के केस में प्राइस अभी निर्धारित नहीं हो पाया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब इसके अंदर हमें कुछ एक पॉइंट समझने हैं। जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सेल का स्पेसिफिक गुड्स का और वह चीजें जो है वह डिलीवरेबल स्टेट में भी है, पर यहाँ पर एक बात अलग है, वह ये है कि सेलर ने अभी उसके ऊपर कुछ करना है, या तो उसका वेट होना बाकी है या उसको अभी मेजर करना है, किसी प्रकार का टेस्ट करना है, इंस्पेक्शन करनी है या कोई भी कार्य उसके ऊपर करना अभी बाकी है और उस कार्य के होने के बाद ही प्राइस जो है वह असर्टन हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि मालिकाना हक तब तक ट्रांसफर नहीं होंगे जब तक वह कार्य उस चीज के ऊपर नहीं कर लिया जाएगा और बायर को बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की मदद से इस चीज को समझ सकते हैं। लेट अस सपोज कि एक रूम है जिसमें ग्लास की विंडोज फिट करवानी है। अब आप जाते हैं सेलर के पास और सेलर को जाके बोलते हैं कि मैंने ग्लास खरीदना है घर की विंडोज पर लगाने के लिए। सेलर आपको बताता है कि ग्लास का जो रेट है वह 100 रुपीस पर स्क्वायर फीट है। अब यहाँ पर ये रेट तो पता लग गया, पर
पर आपने कितने पैसे देने हैं वह तभी पता लगेगा जब वहां से लेबर आके उस विंडो को मेजर करेगी और उसको फिट करेगी। इसका मतलब ये कि अभी एक एक्ट करना बाकी है और जब तक वो मेजर होके फिट नहीं हो जाता तब तक पूरा प्राइस पता नहीं लग सकता। अब जब वह ग्लास किसी भी ट्रांसपोर्ट के मीडियम से आपके पास आ रहा है और रास्ते में उस ग्लास को कुछ हो जाता है, उसका रिस्क जो है वह सेलर का है। क्यों? क्योंकि अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, क्योंकि प्राइस ही डिटरमिन नहीं हुआ था। अभी तक हमने जितने पॉइंट्स पढ़े वह सब स्पेसिफिक एसर्टन गुड्स के ही पढ़े हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन 23 की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है उसके अंदर बात है अनएसर्टन गुड्स की, तो उस केस में किस प्रकार से ये एक्ट बोलता है। सबसे पहले इसके अंदर रूल ये बोला गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मुमकिन नहीं है जब तक वह गुड्स जो हैं वह अपोर्शन नहीं हो जाती। इसका मतलब ये है सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा अनएसर्टन गुड्स को एसर्टन के अंदर, और उसके अंदर कई सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। यहां पर जो वर्ड अपोर्शन लिखा गया है इसका मतलब ये है कि आइडेंटिफाई कर देना गुड्स को, उन गुड्स को अलग कर देना कि ये अब किसी की हो गई हैं। अगर हम एक एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग्स की बात करते हैं, वहां पर कई सारी पेंटिंग्स लगी होती हैं, तो जब उन पेंटिंग्स के ऊपर टैग लग जाता है सोल्ड का और उस टैग के ऊपर नेम ऑफ द बायर भी लिख दिया जाता है और प्राइस भी लिख दिया जाता है कि कितने में ये पेंटिंग बिकी है, उस केस में बोला जाता है कि पेंटिंग्स हैव बीन अपोर्शन्ड। तो जब चीजें भी अलग हो गई, किसके लिए अलग हो गई ये भी निर्धारित हो गया, उसका प्राइस भी पता लग गया, उस समय इसे अपोर्शन मान लिया जाता है। अब जो यहाँ पर एप्रोप्रिएशन की बात की गई है ये म्यूचुअल कंसेंट के साथ होनी चाहिए। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है आपसी सहमति बायर और सेलर के बीच में। तो जहां पर एप्रोप्रिएशन की गई है सेलर के द्वारा और बायर ने उसे अनकंडीशनल हामी भर दी है तो ये मान लिया जाएगा कि ये स्पेसिफिक एसर्टन गुड्स बन चुकी हैं। और जहां पर जो बायर है वह एप्रोप्रिएट करेगा गुड्स को और सेलर उसको हामी दे देगा, उस केस में भी इसको मान लिया जाएगा। और अगर थर्ड पार्टी एप्रोप्रिएट कर रही है इन गुड्स को तो वहां पर बायर और सेलर दोनों की हामी जरूरी है। अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक पर्सन को फोन किया है और उसको ये बोला है कि मुझे 5 शर्ट्स चाहिए एम साइज की और उसके कलर जो है कॉटन उसका फैब्रिक होना चाहिए, व्हाइट कलर की शर्ट होनी चाहिए, या मैं एक ब्रांड भी मेंशन कर देती हूँ कि इसकी चाहिए। और सेलर बोलता है कि ठीक है मैंने आपके लिए जो शर्ट्स हैं वो साइड पर रख दी हैं। अब इस केस में वे जो गुड्स हैं ये आपसी सहमति से एप्रोप्रिएट हो गई हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं फोन करके कई सारे पॉइंट्स बोल रही हूँ सेलर को कि इन सब चीजों का ध्यान रखिए, इसका मतलब डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन का मतलब विवरण, तो जो भी सामान सेलर ने मेरे लिए निकाल के रखा है वह कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए, कहने का मतलब हूबहू मैच करना चाहिए उस डिस्क्रिप्शन के साथ, तभी माना जाएगा कि ये म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात हो रही है। इस केस में जो गुड्स हैं जब वह डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगी, साइड पे रख दी, अगर उसके ऊपर कोई मेजरमेंट करनी है या पैकिंग करनी है कुछ भी करना है, वह सब जब कर दिया गया है तभी बोला जाएगा कि वह डिलीवरेबल स्टेट में आ चुकी हैं। उसके बाद इसके अंदर एक पॉइंट और है कि जो ये एप्रोप्रिएशन की गई है ये बिना किसी कंडीशन के होनी चाहिए। उस केस में जो सेलर है वह अपने पास कोई भी राइट रिजर्व करके नहीं रखता और वह ओनरशिप जो है ट्रांसफर कर देता है बायर को। परंतु अगर सेलर जो है वह राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखता है कोई कंडीशन लगा के, इस केस में जो प्रॉपर्टी है वह तब तक ट्रांसफर नहीं होती जब तक उस कंडीशन को पूरा नहीं कर दिया जाता। तो अगर कंडीशनल है तो कंडीशन पूरी होने के बाद ही जो चीजें हैं उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। इसका मतलब इसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो गए। सबसे पहले अनसर्टन गुड्स थी,
पहला स्टेप कहता है अनअसर्टेन को कन्वर्ट कर दीजिए असर्टेन के अंदर, आइडेंटिफाई कर लीजिए। दूसरी बात, उसे डिलीवरेबल स्टेट में लाना पड़ेगा, और डिलीवरेबल स्टेट में लाने से पहले आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चीजों को साइड पे करना पड़ेगा। उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी करना पड़ेगा, जिस भी आप तरीके से उसको भेजना चाहते हैं वह डिसाइड करना पड़ेगा। और एक बार अगर कोई कंडीशन लगाई है तो कंडीशन को पूरा करने के बाद ही जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। परंतु अगर कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर ने अपने पास नहीं रखा है, तो तुरंत ही जो प्रॉपर्टी है वह ट्रांसफर हो जाएगी बायर को। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है सेक्शन 24। सेक्शन 24 के अंदर आ जाती है वह गुड्स जिन्हें भेजा गया है अप्रूवल के ऊपर या ऑन सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर। इसके अंदर जो नियम है वह कुछ अलग है। इसमें प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर होती है बायर को अगर हम एक चीज को पूरा करते हैं, यानी इसे बोला गया है कंडीशनल सेल। अब यहाँ पर टू पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो है एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। इस केस में ये सिग्निफाई कर दिया जाएगा कि साफ साफ शब्दों में बायर को अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तभी ये माना जाएगा कि जो ट्रांजैक्शन है वह पूरी हो गई है। हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझ लेते हैं। ए ने बी से कोई फर्नीचर खरीदा है 15 तारीख को। अब ये जो फर्नीचर है ये अप्रूवल बेसिस पर है 3 दिन का। अब आपने 15 को खरीदा, इस केस में अगर तो 3 दिन बाद आपने कॉल करके बोल दिया कि फर्नीचर मुझे पसंद है, मैं इसको रख रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो 3 दिन बाद वह जो प्रॉपर्टी है वो आपको ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पर जो बायर है उसको ये राइट मिलता है कि वह 3 दिन के अंदर अंदर अगर वह चीज उसे पसंद नहीं है तो उसे वापस कर सकता है। अब जब साफ साफ शब्दों में कॉन्ट्रैक्ट में इसको लिखा गया है, इसे बोला जाता है एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। अब हम बात करते हैं इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस की। इम्प्लाइड का मतलब ये होता है कि जहां पर चीजें जो हैं, अगर कोई ऐसा कंडक्ट कर दिया गया है बायर के द्वारा, तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा, या यूं कहूं प्रेज्यूम कर लिया जाएगा कि चीजें जो हैं वह बायर ने एक्सेप्ट कर ली हैं। अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि अप्रूवल पर चीजें गई हैं, अब दिन खत्म हो गए जो अप्रूवल के थे और बायर ने चीजों को रिटेन कर लिया, कोई भी नोटिस नहीं दिया रिजेक्शन का, तो ये मान लिया जाएगा कि चीजें एक्सेप्टेड हैं। यानी जितना टाइम फिक्स किया गया था चीजों को वापस करने का, वह टाइम एक्सपायर हो चुका है, तो कोई भी वहां पर वापसी नहीं हुई है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि टाइम तो कोई फिक्स नहीं किया गया है, उस केस में जितना भी रीजनेबल टाइम ऑफ ट्रेड है उस हिसाब से डिसाइड कर लिया जाएगा। इसका मतलब बायर का कंडक्ट, मतलब उसका व्यवहार ये निर्धारित कर देगा कि चीजें जो हैं उसने रखनी है और प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो जाएगी। इसके साथ ही हमारे पांचों रूल्स कंप्लीट हुए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से निर्धारित जो किए गए थे। अब हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में और जानेंगे कुछ नया इंटरेस्टिंग और एक्ट को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ।